नमस्कार, मैं हूं आस्था शुक्ला और स्वागत करती हूं आपका नव समाचार। समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में दक्षिण हरियाणा की 12 से 10 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार सकती है। ये सभी वह सीटें हैं जहां पर यादव मुस्लिम गठजोड़ विशेष भूमिका निभाता है। सपा ने इन सीटों पर प्रत्याशियों के उतारने की तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। साथ ही दावेदार भी लखनऊ के चक्कर काटने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से पहले समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में अपना दम दिखाएगी। ने यादव और मुस्लिम समीकरण वाली दक्षिण हरियाणा की 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा गठबंधन से ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिशा तय हो सकेगी। वहीं हरियाणा में चुनाव लड़ने के दावेदारों ने सपा से टिकट हासिल करने के लिए लखनऊ के चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आवास पर हरियाणा से आए कुछ नेताओं से मुलाकात कर चुनावी तैयारी और प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की। नेताओं ने सपा प्रमुख से हरियाणा में जनसभाएं और रोड शो कराने की मांग भी। कुल 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में 10 से 12 सीटों पर यादव और मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाता है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नू व पलवल जिलों की 29 विधानसभा सीटों में से सपा 10 से 12 सीटों को अपने लिए मुफीद मान रही है। इन सीटों में से सबसे अधिक दावेदार ने टिकट के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से संपर्क भी किया है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी, सपा अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में, ये शीर्ष स्तर पर तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख, चुनाव प्रभारी व सांसद अवधेश प्रसाद के साथ वहां के जिला संगठन के पदाधिकारियों से उनकी जमीनी तैयारी पर चर्चा करेंगे। ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए देखते रहिए नव समाचार। बेबाक खबर हर समय।